नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई इक्विटी स्कूल, बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर स्टॉक मार्केट बिगनर्स। दोस्तों, कल के दिन बहुत ही शानदार रैली आई थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बहुत ही अच्छा मोमेंट था निफ्टी में। निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 250 पॉइंट यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5% ऊपर कल जाके क्लोजिंग हुई है निफ्टी में। दोस्तों, अगस्त की सीरीज की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। अगर मंडे भी देखेंगे तो मार्केट ऊपर था, और ट्यूसडे भी कल बहुत शानदार रैली आई है, और आज के दिन भी मार्केट में बहुत अच्छा बूम आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन 16,300 के लेवल्स तक आ सकता है मार्केट। 16,130 का CMP है, इजीली 16,180 तक ओपन हो सकता है, फिर वहाँ से एक और शानदार रैली आ सकती है। मार्केट बहुत ही बुलिश मोड में है, बहुत ही स्ट्रांग है मार्केट। आप सिर्फ 16,100 या फिर 16,000, थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना है तो आपको 16,050 इतने का SL लगा के आप होल्ड कर सकते हो 16,300 के टारगेट्स के लिए। बहुत ही बुलिश है। कल के दिन बैंक निफ्टी भी बुलिश हुआ। बैंक निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 500 पॉइंट्स ऊपर जाके बंद हुआ है, तो बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अगर आप देखेंगे तो बहुत दिनों से, जुलाई के पूरे महीने में क्या हुआ था कि एक रेंज, ये जो 15,900 का रेंज था, ब्रेक नहीं कर पा रहा था मार्केट। पूरा एक महीना जुलाई का निकल गया। बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जुलाई में 16,000 क्रॉस करे निफ्टी, बट हुआ नहीं। एवरी टाइम 15,900 पे एक रेजिस्टेंस, अगेन नीचे, फिर वहाँ पर जाता था, फिर अगेन नीचे। पूरा महीना इसने कंसोलिडेट कर दिया। पूरा महीने कंसोलिडेट करने के बाद अगस्त के फर्स्ट सीरीज में इसने ब्रेक कर दिया 15,900। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, 16,000 ये लेवल क्रॉस करते मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम आ सकता है, और वैसे ही हुआ। 16,000 क्रॉस करते 16,130 विद इन 2 hours में मार्केट आ गया था 130 पॉइंट्स ऊपर। इसीलिए यहाँ पे बहुत बुलिश मोड है। आप एक नहीं, 2-3 लॉट JCF की कैपेसिटी उतना बाय कर सकते हो। फुल्ली मार्केट स्ट्रांग है। SGX भी देखेंगे तो 16,202 को क्रॉस किया, यानी कि लाइफ टाइम हाई पे SGX भी है। ठीक है दोस्तों, तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने का। आफ्टर 2-3 months ये मोमेंटम आ रहा है, और ये ऐसे नहीं कि एक दिन उड़ गया फिर कल के दिन फिर से आज के दिन या कल के दिन थर्सडे में 200 पॉइंट गिर जाएगा। ऐसे नहीं, यहाँ से मोमेंटम और अच्छा बन सकता है, और निफ्टी से ज़्यादा अभी बैंक निफ्टी उठ सकता है, क्योंकि निफ्टी ने न्यू हाई बनाया पर बैंक निफ्टी ने अभी तक बनाया नहीं है, जो 36,000 ईजिली क्रॉस। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट से बताऊंगा कि कितने टारगेट्स मिलेंगे। पहले मैं आपको निफ्टी के बता देता हूँ। निफ्टी में आपको ईजिली 16,300 तक टारगेट्स मिलेंगे। SL मैंने जैसे बताया 16,100 से लेकर 16,050 का एक SL लगाइए और होल्ड कीजिए निफ्टी को विदाउट एनी टेंशन। आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। फ्यूचर्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो, और एल्स ऑप्शंस में कॉल लेके होल्ड कर सकते हो। ये रहा निफ्टी का व्यू। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों, ये डेली चार्ट बैंक निफ्टी का, अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 500 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है, यानी 35,200 के लेवल्स में जाके बंद हुआ है। एक अच्छा रेजिस्टेंस मोड है। मैं आपको बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस मोड दिखा देता हूँ। ये देखिए, रेजिस्टेंस लेवल में परफेक्टली यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है वहाँ पर ही जाके क्लोज हुआ है, उसके ऊपर जाके क्लोज नहीं हुआ है। देखिए, आज के दिन ये लाइन के ऊपर, यानी कि 35,200 के ऊपर क्लोज करते ही ये इजीली इंट्राडे में निकाल देगा ये लेवल्स को। आपको बता रहा हूँ, इंट्राडे लेवल्स में आपको आ जाएंगे। 35,200 के ऊपर बाई करना है आपको, और आपके ईजी अचीवेबल इंट्राडे टारगेट्स हैं 36,000, यानी कि 800 पॉइंट इंट्राडे में मूवमेंट आ सकता है बैंक निफ्टी में। 800 पॉइंट्स का एक जंप पूरा ऐसे दिखा सकता है। ICICI बैंक फुल्ली स्ट्रांग मोड में 52 वीक हाई के आसपास है। HDFC बैंक मूवमेंट में है। इंडसलैंड बैंक, कोटक बैंक, ये चार बैंक्स बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसमें बैंक निफ्टी में मोमेंटम और ज़्यादा आ सकता है। तो बेफिक्र होकर कॉल ऑप्शंस बाय कीजिए बैंक निफ्टी का। 36,000 के कॉल ऑप्शंस तक आप ले सकते हो। 2-2, 3-3 लॉट तक लेके बाइंग कर सकते हो। फुल ऑन प्रॉफिट्स कमा सकते हो आज और कल के दिन। मार्केट ये वीक में ऊपर ही रहेगा। ये वीकली एक्सपायरी बहुत स्ट्रांग वीकली एक्सपायरी हो सकती है। 36,500 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, पर इतने बुलिश मोड में अभी आपको SL लगा के चलना है। 35,000 का SL लगाइए, 200 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी में होल्ड कीजिए। मार्केट जितना भी स्ट्रांग हो, हमें एक रूल फॉलो करना होता है कि SL लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। कल के दिन जब मार्केट से 50 पॉइंट्स ऊपर था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि 250 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोज हो सकता है। बुलिश तो मार्केट था ही, क्योंकि मंडे को अच्छा मोमेंटम आया था, पर इतना उठ जाएगा किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि अभी वो लेवल्स को भी क्रॉस किया, 16,100 को क्रॉस किया, तो अभी और बुलिश मोड में आ गया निफ्टी,
और बैंक निफ्टी भी कल के ये मोमेंटम से, इसीलिए ये मोमेंटम और जारी रहेगा आज के दिन और कल के दिन भी। एक्सपायरी बहुत स्ट्रांग हो सकती है दोस्तों, 36,500 से लेकर 36,000 के आसपास एक्सपायरी होगी, ये प्रेडिक्शन दिया जा रहा है मोस्टली एक्सपर्ट से भी, ठीक है। तो आप कॉल ऑप्शंस बाय कीजिए, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो होल्ड कीजिए, एसएल लगाकर अच्छे मुनाफा होगा आपको आज और कल के दिन। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये एनालिसिस आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की अच्छी लगी होगी। आप देख पाएंगे कि लास्ट जितने भी मैंने वीडियोस में आपको प्रेडिक्शन जो भी दिया है वो परफेक्टली राइट हो रहा है। जब मार्केट यूएस मार्केट्स भी नीचे, तभी मैंने आपको बताया था कि एसएल लगा के होल्ड कीजिए, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जा सकता है। तो आपको अगर ये प्रेडिक्शन अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और उनको अच्छा प्रॉफिट्स होगा। दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माय इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप्स के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है जो कि बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों एवरी संडे को जूम वेबिनार में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अटेंड करने मिलेगा। अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे ही और भी टेक्निकल वीडियोस के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल माय इक्विटी स्कूल के साथ। और दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूले। थैंक यू।